तो क्या हुआ? 27 27 93 जा 93 जा 27 हां 94 जा 66 हां 36 95 जा 96 जा 54 एक और भी मेथड है देखो 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 ठीक है अब 7 7 जर चाहिए 7 और 7 दोनों को मिला दो ठीक है 1 2 3 4 4 10 जर 40 1 2 3 और 1 2 3 3 3 3 जर 40 plus 9 7 7 जर ऐसे इसमें क्या है 6 7 8 9 10 इसमें भी 6 7 8 9 10 6 जर से लेके 6 10 6 9 जर तक हो सकता है और 7 6 जर से लेके 7 10 जर तक 8 8 6 जर से 8 10 जर तक 8 8 जर करो 8 8 जर 8 8 जर ये देखो ना 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 8 8 जा तो 8 8 और 8 को मिलाओ हाँ 8 और 8 हाँ 1 2 3 4 5 6 नीचे जब मिलाया हुआ उसके नीचे का 6 6 10 जा ये 1 2 1 2 2 2 जा 60 plus 4 तो क्या बोलते हैं सर व्हाट इज दिस टेक्निक कॉल्ड दिस इज एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर रीचेकिंग फॉर आवर सेल्फ व्हाट डू यू कॉल दैट टेक्निक दिस इज अल्टरनेटिव मेथड वी कैन से वी हैव नॉट नेम्ड इट जस्ट इट्स अ लोकल व्हाट इज इट योर ओन या फॉर रीच Sometimes in what happens in exams, we had to write something, and flow is not properly. Drawings aren't proper. And you have ticked the other thing. Mm. On rechecking, the same thing will be hitting there. Somewhere there is some tweaking. This is wrong, but you bifurcate that one. So at that time you can recheck like this. Yeah. All mistakes can make. Yes. These are the methods without क्या कहे जब उस वक्त अंधेरे में तीर चलाने वाली बात उस वक्त आपको ये यहाँ पे दिमाग में आ गया चेक कर खाओ तो आपको यहाँ आपको फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस कितना होता है जस्ट माइनर मेन थिंग होता है रिकॉलिंग का एकदम स्पॉन्टेनियस तो एग्जाम का मतलब है रिकॉलिंग मेमोरी या देखो रजिस्टर हो रखा है सारा कुछ आपको सब कुछ आता है आपने पूरा रात बैठ के बकेट पूरा फुल कर दिया पूरा बकेट फुल कर दिया लेकिन जब वो एग्जाम के टाइम पे वो निकल के नहीं आता है कि नहीं मेन सब वही है रिकॉलिंग हम लोग क्या है हम लोग सिखाते हैं ट्रिपल आर होता है रजिस्टर किया हुआ और रिटेन किया हुआ रिकॉल करना रजिस्टर तो सभी करते हैं रिटेन भी करते हैं लेकिन मेन क्या है रिकॉलिंग नहीं करते तो यहाँ पे हम लोग रिकॉलिंग करने का सिखाते हैं तो कैसे एकदम स्पॉन्टेनियसली एग्जाम के पेपर आपने दे दिया मैडम को दे दिया फिर दरवाजे पास पहुँच सकता हूँ है ना पता है ना यार मेरा वो था क्या पेपर आएगा वापस हाउ कम मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट या
टेल हिम मेडिटेशन करने में भी क्या होता है कि आप जैसे अभी इस वक्त इस ग्लास में पानी हाफ है, कितना है? हाफ तो क्या इसको क्या मैंने जो बोला हाफ तो आपने उसको ही हाफ बोला, आप अपनी तरफ से क्या बोलोगे इसको? आप मैं कोई और देखो ना, नहीं और कुछ सोचो सोचो. You're telling him half empty, he's telling half full. और भी है सोचो. There's a third answer also. Maybe. बोलिए साहब. Half is with water. Half is with air. और ये से third substance has included. Maybe half filled you can say, half empty you can say, whatever you. As father has said that half is. The third substance has come included. So the if I fill it this water, अगर मैं इस वो पानी को fill कर देता हूँ. ठीक है तो ऐसे करूंगा तो क्या ऊपर वाला पानी नीचे आएगा? नहीं आएगा, गिर जाएगा. नहीं इसको बंद सील कर देता हूँ, मैं सील कर देता हूँ और इसको करूंगा तो क्या ऊपर वाला पानी नीचे आएगा? नहीं आएगा. अगर मैं इसमें थोड़ा सा पानी निकाल देता हूँ एयर सब्सटेंस अंदर डल जाएगा. हाँ फिर क्या होगा? आएगा ना. उसी तरह से यहाँ पे भी आपको कभी भी ए, ए, अब जब मेडिटेशन करते हो यू व्हाट क्या होता है भी पूरा ब्लैंक हो जाता है. ब्लैंक मतलब ब्लैंक नहीं होता, शून्य, जीरो, जीरो स्टेट. हाँ जीरो स्टेट में आ जाता है और उसमें एयर सब्सटेंस इंक्लूड हो जाता है. ठीक है तो क्या होगा जब आपको चाहिए जो चीज़ चाहिए, जैसे एक पेन लेके आते हैं, पेन पे लिखते रहते हो चाय पीने, हाँ एकदम फ्लो नीचे आता रहता है ना, है उसी तरह से मेडिटेशन करने से क्या होता है कि एक फ्लो आना शुरू हो जाता है. समझ रहे हो? कई बार आपको मालूम है नहीं मालूम, हम लोग के टाइम पे पेन, हाँ ले रहा हूँ, पेन जब चलाते थे वो एयर गैप आ जाता था बीच में तो क्या होता था हम लोग यूं झटकते थे, है ना सर? यू झटकते थे नहीं तो उसको टू क्लियर द वैक्यूम. हाँ टू क्लियर द वैक्यूम अनोइंगली हमारा होता था वो चीज़. अब क्या है कि फ्री फ्लो हो गया है कि नहीं, पेन सारे इतने बढ़िया हो गए लेकिन आपको उस चीज़ का अब लाइट गया नहीं गया आपको पता नहीं है, हमेशा लाइट रहता है क्योंकि इन्वर्टर आ गया, सब कुछ आ गया है कि नहीं. हम लोग को उस वक्त नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं. उस वक्त लोगों ने जो 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 चीज़ें वो उसको वो किया वो चीज़ आपको अब बिना उसके वो हो रहा है ना, है कि नहीं? थैंक्स शेक हैज शेक हिज हैंड. अभी आपको पेंसिल की जरूरत है या पेन की जरूरत है आपको सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली सारे चीज़ें पड़े हुए घर पे. हमारे वक्त में हमको पेंसिल भी चाहिए होता ना, तीन दिन पहले नोटिस देना पड़ता था पापा, बताना पड़ता था पापा मेरा पेंसिल खत्म होने वाला है, तब जाके कहीं मैं मतलब वो आता था. अब वो क्या वो अब वो तीन दिन हम लोग पहले वो नोटिस बोल देते थे, इन्फॉर्मेशन दे देते थे, अब वो वहाँ आने तक उस पेंसिल को चलाना पड़ता था. ऐसे भी वक्त हुआ है. ग्रेट, थैंक्स अ लॉट. तो ये चीज़ें हमें जो उस वक्त हम लोगों ने किया उसको उसको ओवरकम करके अब धीरे धीरे ऊपर ऊपर हो रहे हैं. अब आपको भी ये नहीं कहे कि मैं आपको भी ये उस जरूरी है कि उस चीज़ से निकलना है, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों ने ऐसा वक्त देखा है. अब पहले देखा नहीं मतलब मेरे को नहीं, लेकिन हम लोगों ने देखा है ज़्यादातर हम लोग प्ले ग्राउंड में भी होते थे. तो
फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है. ही प्लेज क्रिकेट. प्ले ग्राउंड में खेलना बहुत अच्छा है और भी और दूसरे भी एक्टिविटीज भी सारी. पेड़ पे हम लोग पेड़ पे भी चढ़ते हैं. आप लोगों ने पेड़ पे चढ़े नहीं थे. पेड़ किधर है? चाय पीजिए, सब ठंडा हो जाएगा. थैंक यू अ लॉट. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सर.